शो क्लिप्स में आपका स्वागत है जहां आप झट झट से बहुत कुछ सीख सकते थोड़ा सा फुटबॉल के बारे में बात करें हाँ कैसा रहा आपका सफर आईएसएल में क्योंकि आई हैव वॉच फुटबॉल ओवर दस आई फील कि पिछले एक दो साल में आईएसएल को और भी ज्यादा ग्रोथ मिली है जी है। क्योंकि सोशल uh, मीडिया पर फुटबॉल की बातें हो रही है हिंदी में यू बिन अग पार्ट ऑफ इंडियन फुटबॉल क्या कहना चाहोगे इंडियन फुटबॉल के बारे में जी इंडियन फुटबॉल के बारे में यही कहूँगा कि ब्यूरोक्रेसी ने इंडियन फुटबॉल को ख़त्म कर दिया है दे हैव डिस्ट्रॉयड इंडियन फुटबॉल uh, लेकिन आई फील के रिलायंस uh, ने इस लीग को लेके बहुत अच्छा किया है लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे नहीं करेंगे लेकिन मेरे हिसाब से इस फुटबॉल इन इंडिया को बढ़ावा मिला है आई uh, की वजह से uh, लेकिन Uh, हर साल मेरा बहुत बड़ा लॉस होता है uh, और मैं एक इंडिविजुअल ओनर हूँ और जो सारे दूसरे टीम्स हैं देर ऑल ओन बाय मल्टी बिलियन डॉलर कॉरपोरेट्स तो कम्पीट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है लेकिन मैं नॉर्थ ईस्ट रीजन का बहुत बड़ा फैन हूँ uh, मैं मानता हूँ कि दैट इज़ लाइक माई सेकेंड होम तो मैं अपना अपनी फुटबॉल टीम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ को बहुत प्राइड के साथ प्रजेंट करना चाहता हूँ मुझे भी बुरा लगता है आई एंड रणवीर दैट्स आई रनवीर कराई जब हम लोग हारते रहते हैं बहुत बुरा लगता है और दो सीजन ऐसे गए जहाँ पर बहुत बुरा हुआ बट ये फुटबॉल टीम को मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैंने उसको क्रिएट किया फ्रॉम स्क्रैच तो आई वुड होप कि ये आगे कोई और लेके जाए इसको और बढ़ाए आई होप कोई मुझे बैक करे गवर्नमेंट्स मुझे बैक करे हिमांता बिस्वा शर्मा जो हमारे असम के चीफ मिनिस्टर है कॉन्ड सांगमा जो हमारे मेघालय के सीएम एम है फैंटेस्टिक दोनों ने मुझे सपोर्ट किया है। I, आप ओनर हो लेकिन मेरा एक ही मकसद है लेगेसी आई वॉन्ट टू लीव मैं चाहता हूँ कि इंडिया से एक लियोनल मेसी मिले आल बी हैप्पी एक सुपर स्टार मेरे अकेडमी से आना चाहिए अभी मेरा अकेडमी शिलोंग में बन रहा है इट्स टू बी इंडियाज़ बेस्ट अकेडमी फ़ुटबॉल अकेडमी और मैं बना रहा हूँ उस अकेडमी को दो साल लगेंगे मेरे पास फंड्स नहीं है तो मैं कॉरपोरेट्स के सामने जाके भीख मांग रहा हूँ प्लीज़ थोड़े पैसे दे दो मुझे ये अकेडमी बनाना है बच्चों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है उनका बोर्डिंग लॉजिंग एडुकेशन एवरीथिंग मुझे उनका ख्याल रखना है फ्रॉम द एज ऑफ एट टू एटीन ये फ़र्क है भारतीय फ़ुटबॉल अकेडमीज़ और यूरोपियन फुटबॉल अकेडमीज़ के बीच जी मैम सारे फ़ुटबॉल अकेडमीज़ में पर्सनली गया हूँ जैसे साउथ हेम्पटन आयास पोर्टो बहुत सारे अकेडमीज़ में गया हूँ सीखने के लिए कि अकेडमीज़ कैसे बनते हैं उनका क्या होता है आई हैव लर्नड एवरी थिंग एंड आव कम बैक मेरा भाई आर्किटेक्ट है मेरे भाई का फॉर्म का नाम यूल बी शॉकड माई नेम इज़ जॉन एब्राहम मेरे पिताजी का नाम एब्राहम जॉन है <laughs> तो एब्राहम जॉन आर्किटेक्ट्स वहाँ पे गया हो भाई को एक Uh, ये पूरा प्लान दिया हो ही इज़ क्रिएटेड द मोस्ट ब्यूटिफुल अकेडमी अभी उसको हमें फ्रूशन पे लाना है मतलब फाइनलिटी पे लाना है उसके लिए मुझे पैसे चाहिए बहुत सारे पैसे पचास करोड़ साठ करोड़ सत्तर करोड़ लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं जमा करूंगा पैसे खुद का पैसा लगाऊंगा, आई विल मेक द बेस्ट अकेडमी इन द कंट्री एक बहुत कॉमन सवाल है फुटबॉल से रिलेटेड कि हमें ई में या ललीगा में इंडियन प्लेयर्स कब दिखेंगे बट अकॉर्डिंग टू मी पीपल यू जब भी अपना ग्रास रूट हमारा ग्रास रूट स्ट्रॉन्ग होगा तभी जब भी आप सिर्फ आई एस एल टीम्स पैसे डालेंगे एक्सपेंसिव प्लेयर्स पर उससे नहीं बनेगा आपको इंडियन प्लेयर्स को डेवलप करना पड़ेगा तो मेरा मकसद है फ्रॉम द एज ऑफ फाइव इंडियन बॉयज़ एंड गर्ल्स को हमारा वुमेंस टीम भी है हम डेवलप करना चाहते स्टार्स फ्यूचर स्टार्स ऑफ इंडिया उन बच्चों को मैं बुंडस लीगा मतलब जर्मन लीग में या ई में कैंप्स में भेजूंगा स्पेन में कि उन लोग और सीखे और सीखे और सीखे मेरे एकेडमी में पॉर्चगीज स्पैनिश वहाँ से कोचेस लेके आऊँगा कि हमारे बच्चों को सिखाए एंड आई विल वन स्टार तभी आप देखोगे जैसे सोनमिन टॉटिनो हॉटस्पर के लिए खेलते हैं कुरियन है या कोई और कंट्री से यू नो जैसे मोहम्मद साला हु इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स लिवरपूल के लिए खेलते तो आई थिंक इट इट विल टेक टाइम रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे जैसे बोलते हैं तो फुटबॉल इंडियन फुटबॉल अभी एक बहुत लो जगह पे है बहुत लो जगह पे हमारी रैंकिंग भी बहुत ख़राब है और हम लोग सब रिस्पॉन्सिबल है वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी कोशिश यही है कि पैसा फेंकने के बजाय कि हम लोग चैम्पियन है चैम्पियन है उसके बजाय हम लोग ग्रास रूट्स पर कॉन्सेंट्रेट करें तो ही अच्छा होगा okay. uh. ये सवाल ना बहुत सारे इंडियन फुटबॉल फैंस को पूछना था बट अगेन इट्स ओनली आई सेल ओनर्स हैव द कम्पलीट पिक्चर आई फील इन माई आईज आई थिंक थिंग्स आर गेटिंग बेटर मे बी आई एम एन ऑप्टमिस्ट बट ऐसा लगता है कि शायद पंद्रह बीस सालों में एक तो प्लेयर निकलेगा पंद्रह साल में डेफिनेटली ह्यूमेन्स ऑन की तरह यस मे बी आई वुड से नॉट इवन फिफ्टीन ईयर्स मे बी एट ईयर्स सेवन ईयर्स क्योंकि मैं बहुत होपफुल हूँ क्योंकि हम लोग हम लोग क्लब्स की ओन करते हैं मेरे हिसाब से मैं क्लब इसीलिए ओन करता हूँ क्योंकि मुझे हिंदुस्तान से प्यार है मुझे एक इंडियन प्लेयर चाहिए जो वर्ल्ड स्टेज पे खेल सके दैट इज़ माय ड्रीम एंड इफ दैट हैपेंस देन द लीग विल पिक अप अगर आपके प्लेयर स्टार्स नहीं है और इतना टैलेंट नहीं है दिस लीग इज़ ने पिकअप जब आपकी टीम मैच हारती है या आपकी कोई एक्सपेक्टेड हिट फ्लॉप कर जाती है तब अंदर ही अंदर आप कैसे हैंडल करते हो डिसपॉइंटमेंट होता है बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है बट इट्स अ गेम स्पोर्ट की बात करें इट्स अ गेम कोई हारेगा कोई जीतेगा हमारा टाइम आएगा यू नो सो आई लुक एट दैट वे क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ सो आई अंडरस्टैंड दैट फिल्म अगर नहीं चले तो आप ऑडियंस को रिस्पेक्ट करना ऑडियंस ने जजमेंट दिया है कि आपकी फिल्म अच्छी नहीं है या आपकी फिल्म हमारे साथ कनेक्ट नहीं हुई है तो आप ये एक्सक्यूज मत ढूंढना कि अरे मेरा रिलीज डेट रॉन्ग था मेरी मार्केटिंग खराब थी मेरी नहीं योर फिल्म इज नॉट गुड बेटा आपकी फिल्म अच्छी नहीं थी प्लीज़ मूव ऑन वेक अप स्मेल द कॉफी मूव ऑन अच्छी फिल्म बनाओ अच्छी फिल्म मतलब एंटरटेनिंग फिल्म द ऑडियंस शुड कनेक्ट विथ इट अगर फिल्म चलती है मतलब कमर्शियल सक्सेस है मतलब ऑडियंस ने एक्सेप्ट करा है जैसे पठान चली इफ अ फिल्म डज इन वर्क जैसे मेरी सारी बहुत सारी फिल्में नहीं चली है इट्स नॉट वर्कड बिकॉज द फिल्म इज नॉट गुड तो वो आप एक्सेप्ट करो ना उसमें क्या है मतलब क्या पोलिटिकल बन के मैं यू you नो know, नहीं वाइट वाइट नाम गिंग पारसी जो ना ब्लैब आउट क्रैफ्ट अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही हजार क्लिप्स अपलोड किए गए इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ